हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए शॉर्ट ट्रिक की वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला की लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखें स्टूडेंट्स। अगर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इस फॉर्म में हो, एक्स में क्वाड्रेटिक हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी एक्स प्लस टी इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स में क्वाड्रेटिक हो, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी, मॉडुलस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या है, बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इक्वेशन ऑफ पैराबोला अगर किस तरीके की फॉर्म की हो, ए वाई स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू जीरो, मतलब वाई में क्वाड्रेटिक हो, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका ये है, अगर क्वाड्रेटिक एक्स में है तो हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा और कोफिशिएंट ऑफ वाई न्यूमिनेटर में आएगा, और अगर क्वाड्रेटिक वाई में है तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में और कोफिशिएंट ऑफ एक्स न्यूमिनेटर में आएगा। तो स्टूडेंट्स देखेंगे क्वेश्चन को लेकर के मैं आपके लिए दिखाता हूँ। क्वेश्चन है फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला वाई इक्वल टू एक्स टेन एल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा। तो इसको स्टूडेंट्स सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखें ये इक्वेशन मेरे लिए किस में दिखाई दे रही है, एक्स में क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स में क्वाड्रेटिक है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे होंगे कि ये है, तो माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा। और कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो पन है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर जो दिखाया है ये, तो इसमें सारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म एक साइड में है और इक्वेशन बना लिया है इसके लिए। तो इसके लिए भी इक्वेशन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, वाई को इस साइड में ले लेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस वन हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए माइनस से माइनस प्लस हो गया और ये क्या हुआ, टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा अपॉन जी। तो टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा अपॉन जी लेटस रेक्टम निकल आया। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। यह पैराबोला स्टूडेंट्स इस तरीके का दिया हुआ, एक्स इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सोल्यूशन देखते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यहाँ स्टूडेंट्स देख रहे हैं इक्वेशन जो है वो वाई वेरिएबल में क्वाड्रेटिक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या हो जाएगा, ए, और इसको जो है वो इस साइड में जब लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, माइनस वन। तो ये मेरे पास स्टूडेंट सोल्यूशन इसका वन अपॉन ए आ गया, या मॉडुलस को सिंप्लीफाई करने पर। तो इसको स्टूडेंट्स इस तरीके से भी लिखा जा देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि सिंस मॉडुलस ऑफ पी अपॉन क्यू इक्वल टू मॉडुलस ऑफ पी अपॉन मॉडुलस ऑफ
क्यू, तो मॉडुलस ऑफ माइनस वन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ माइनस वन विल बी माइनस वन। तो ये भी देखने के लिए मिल सकता है, ये भी। तो ऑप्शन जैसा हो वैसा आप देख करके इसका जो है वो सोल्यूशन दे दें। तो देखें स्टूडेंट्स, मॉडुलस ऑफ पी अपॉन क्यू इजिकल टू मॉड पी अपॉन मॉड क्यू होता है। तो इसके लिए मॉडुलस ऑफ माइनस वन अपॉन ए को क्या लिखती है, मॉडुलस ऑफ माइनस वन अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ माइनस वन विल बी वन और मॉडुलस ऑफ ए इज लेफ्ट एज इट इज। तो और इसके लिए ये भी लिखा जा सकता है। तो देखें स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मैंने दो क्वेश्चन ले लिए हैं, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी से हो जाए। देखें क्वेश्चन थर्ड ले रहा हूँ, फाइंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एट बाई प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन का सोल्यूशन स्टूडेंट्स देखें, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मॉडुलस ऑफ एक्स में क्वाड्रेटिक है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में और कोफिशिएंट ऑफ वाई न्यूमिनेटर में, कोफिशिएंट ऑफ वाई इज माइनस एट। तो स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन ये हो गया। क्वेश्चन एक और ले रहा हूँ, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला 3x² माइनस 6x माइनस y प्लस 6 इक्वल टू जीरो। तो देखें स्टूडेंट्स सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा और कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई इज माइनस वन, तो वन अपॉन थ्री इसका सोल्यूशन आ गया है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से जो है मैंने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला के लिए शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने बता दिया। और अगर मेरी वीडियो को लाइक करें आप, अच्छा लगे आपको कि मैंने अच्छा समझाया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।